स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ट्रेन के नाम कैसे तय किए जाते हैं, साथ में एक नाम वाली ट्रेन कई ट्रेन क्यों चलाई जाती है, साथ में दोस्तों इसकी अनगिनत के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के पास 22,553 रेलगाड़ियाँ हैं। इनमें से 9,141 मालगाड़ियाँ फ्राई ट्रेन और 13,452 पैसेंजर ट्रेन है। मालगाड़ी से करीब 203.88 मिलियन टन सामान रोजाना एक से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। वहीं पैसेंजर ट्रेन से करीब 2.5 करोड़ लोग रोजाना सफ़र करते हैं। भारतीय रेलवे ट्रेन के जरिए पूरे देश को जोड़ता है। इसके लिए अलग अलग नामों वाली ट्रेनें चलाई जाती है, लेकिन कई ट्रेन ऐसी है जो एक ही नाम वाली है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस जो राष्ट्रीय राजधानी को अलग अलग राज्यों से जोड़ती है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रेनों का नामकरण किस आधार पर किया गया है, ट्रेनों के नामकरण का गणित क्या है, एक ही जैसे नाम वाली कई ट्रेनें क्यों चलाई गई है और कितनी तरह की रखी जाती है ट्रेनों के नाम, जाने इन सवालों के जवाब। तो आइए दोस्तों जानते हैं। भारतीय ट्रेन को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है। भारतीय ट्रेनों का नाम 3 बातों के आधार पर रखा गया है, जैसे राजधानी या किसी विशेष जरूरत के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनें, जगह यानी स्टेशन के नाम पर चलाई जाने वाली, और किसी खास लोकेशन पार्क मॉन्यूमेंट से होकर गुजरने वाली ट्रेनें। आइए एक एक करके तीनों कैटेगरी के ट्रेनों को समझते हैं। पहली कैटेगरी जगह यानी स्टेशन के आधार पर चलने वाली ट्रेनें। पहली कैटेगरी की ट्रेनों के नाम जगह के मुताबिक तय किए गए हैं, जो किसी एक खास जगह से चलती है और एक तय जगह तक जाती है। जैसे हावड़ा से कालका तक चलने वाली कालका मेल, हैदराबाद से मुंबई तक चलने वाली मुंबई एक्सप्रेस, मैसूर से जयपुर तक चलने वाली जयपुर एक्सप्रेस। दूसरी कैटेगरी लोकेशन के आधार पर चलने वाली ट्रेन। कई ट्रेनें कुछ खास लोकेशन नेशनल पार्क जोन स्मारक या क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसलिए इनके नाम से उस लोकेशन या जगह को शामिल किया गया है। ऐसी ट्रेनों के ज़्यादातर नामों में दिशा, नदी, पार्क, पहाड़ आदि को शामिल किया गया है। जैसे हैदराबाद से हावड़ा तक चलने वाली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, मैंगलोर से तिरुवनंतपुरम के लिए चलने वाली मालाबार एक्सप्रेस, जोधपुर से इंदौर जाने वाली रणथंभौर एक्सप्रेस, कॉर्बेट पार्क एक्सप्रेस और काजीरंगा एक्सप्रेस, चेन्नई से हैदराबाद जाने वाली चारमीनार एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस। तीसरी कैटेगरी राजधानी से जोड़ने और खास सुविधा वाली ट्रेन। रेलवे ने कुछ ट्रेनें खास सुविधाओं के लिए चलाई है और इनके नाम भी एक ही जैसे हैं। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, ये देश की राजधानी दिल्ली को अलग अलग राज्यों से राजधानी को जोड़ती है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये राजधानी से राजधानी को जोड़ती है। कई राज्य होने के कारण एक ही नाम वाली ट्रेन देश के अलग अलग राज्यों में चलाई जाती है। उसके बाद दोस्तों गरीब रथ एक्सप्रेस, ये डिलक्स ट्रेन की कैटेगरी है जिसे आम इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद दोस्तों संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये सामान्य सुपरफास्ट ट्रेन होती है जो देश की राजधानी दिल्ली को बड़े राज्यों से जोड़ती है, जैसे बिहार संपर्क क्रांति, राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसी कैटेगरी से जुड़ी और भी ट्रेनें हैं, जैसे जनशताब्दी एक्स, दुरंतो एक्स। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की जुड़ी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।